बिग बॉस ओटीटी टू विनर एल्विश यादव को तहलका ने बताई अंदर की बातें। अभिषेक कुमार की खोली पोल पत्ती। जी हां, तहलका बिग बॉस 17 से बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद एल्विश यादव ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की है। उनसे बात करते हुए तहलका ने अभिषेक कुमार पर भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कहा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करता है। आपको बता दें कि बिग बॉस 17 में तहलका उर्फ सनी आर्या का गेम ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक उन पर गुस्सा सवार हुआ और वो हिंसा की वजह से घर से बेघर हो गए। उन्होंने अभिषेक कुमार को धक्का दे दिया था, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अभिषेक कुमार पर भड़ास भी निकाली। वहीं तहलका से अब एल्विश यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बात की है, जिसे उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर किया। व्लॉग में एल्विश सबसे पहले टेम्पटेशन आइलैंड का सेट दिखाते हैं, जहां वो शूटिंग के लिए पहुंचे, जिसके बाद बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव वापस होटल लौटते हैं और तहलका से बात करते हैं। फोन पर तहलका कहते हैं कि 16 के 16 बंदे रोए हैं। आगे एल्विश ने कहा कि अरुण का तो समझ में आता है, लेकिन उस अभिषेक को क्या दिक्कत है? पहले वो लाता है, फिर रोता है, उसे क्या प्रॉब्लम है? तहलका ने जवाब दिया कि ये कैमरा फेसिंग बंदा है, इसने 20 दिन पहले एक नाम लिया था बिग बॉस के अंदर कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला सर को फॉलो करता हूँ। तब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि किसी से तुलना ना करे, क्योंकि अभी तुम बहुत पीछे चल रहे हो। तब मैं समझ गया था कि ये टक्कर मारना, छाती मारना सिद्धार्थ शुक्ला सर करते थे, ये सारा उसको कॉपी करता है। जब भी खानजादी के साथ होता था तो कहता था कि हम कुछ रोमांटिक करेंगे तो कैमरा कैप्चर करेगा। जैसे विक्की भैया खड़े होते थे तो उनसे कहता था कि हम ऐसे बात करेंगे तो कैमरा दिखाएगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।